अब आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही इस दौरान सीएम के साथ ही पीएम मोदी भी हल्द्वानी दौरे पर है। रोजगार का सृजन भी होगा हजारों की संख्या में, इसके साथ ही साथ हमारा राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में एक पावर हाउस भी बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास आपके द्वारा हुआ है, वो संपूर्ण उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के हाथों 8,700 करोड़ रुपए की जिन सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन एवं शिलान्यास हो रहा है, ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे नदुल का मुद्दा हो या बंगाली समाज को पूर्वी पाकिस्तान शब्द जो सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता था, या गन्ने का समर्थन मूल्य हो, या उत्तर प्रदेश के साथ 21 वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों का बंटवारे का जो मामला हो, हमारी सरकार ने इन सभी समस्याओं को आपके सहयोग से पूरा किया है, उनका समाधान निकाला है। इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज वो स्वप्न भी साकार हो गया जिसकी अब तक केवल कल्पना की जा सकती थी। केंद्र सरकार की ओर से कुमाऊं संभाग में 500 करोड़ रुपए का एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी यहां पर आज उसका भी शिलान्यास होने वाला है। इसके प्रारंभ होने से हम भारत के पहले राज्य बन जाएंगे जहां पर एक एम्स भी हमारा ऋषिकेश में काम कर रहा है और दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी हमारे इस कुमाऊं संभाग में खुलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे इस राज्य के लिए उन्होंने दी है। इसके अतिरिक्त आज 455 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त हो गया है। भाइयों बहनों, चारधाम कॉरिडोर की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इससे जहां एक ओर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर पूरे कुमाऊं के आधारभूत ढूंचे को मजबूती मिलेगी। ये भाइयों बहनों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विचार करने का विषय है कि आज से पहले क्यों कोई उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आदर्शों पर स्थापित केंद्रीय विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कार्यों को बारे में भी विचार नहीं किया गया। आज हमारी सरकार ने दोनों ही काम कर दिए हैं। ये दो विशिष्ट कार्य इसलिए भी सोच सके हैं क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता का परिणाम है कि आज राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इनमें से बहुत सी परियोजनाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं, चाहे सड़क मार्ग द्वारा उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी हो रही है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए हमको 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है ब्रॉडगेज सर्वे के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विगत 44 वर्षों से लंबित जमरानी बांध एवं पेयजल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। इस योजना से जहां आधारभूत ढांचे को मजबूती करने का काम किया जा रहा है, वहीं पर्यटन और रोजगार पलायन जैसे विषयों पर ठोस रणनीति बनाकर प्रोएक्टिव मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी ये देवभूमि वीरभूमि भी है। इसने अनेक ऐसे वीर पैदा किए हैं जिसने हंसते हंसते मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। उन्हीं में से एक जनरल बिपिन रावत जी भी थे जिनका हाल ही में एक दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। उनका उत्तराखंड के प्रति जो अपार स्नेह था और अद्भुत था, उनका असमय हमारे बीच से चला जाना देश और प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। वह मेरे लिए भी एक निजी क्षति है क्योंकि उनके दो ही ध्येय थे, सेना को मजबूत करना, उत्तराखंड की उन्नति में लगातार सहयोग करना। इन दो उद्देश्यों को लेकर हमारी केंद्र व राज्य की सरकारें निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रदेश ऐसे वीर बलिदानी और रणबांकुरों का सदा ऋणी रहेगा, लेकिन ऐसे पहाड़ के लाल और राष्ट्रभक्त का भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने सदा अनादर किया है। कुछ वर्षों पूर्व उनके नेताओं द्वारा जनरल रावत को गली का गुंडा तक बताया गया है। यह हमारे सैनिकों को बलात्कारी कहा गया है। आज ये लोग आपके सामने आकर
उन्हें सम्मान देने का भी ढोंग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूं और अच्छे से समझता हूं कि फौज की सेवा मात्र एक सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति की जाने वाली एक साधना है। आज हमें गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना का मनोबल और आत्मसम्मान लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक हथियारों और साजो सामान से जहां सेना को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं उन्हें दुश्मन को जवाब देने के लिए अब दिल्ली की ओर नहीं देखना पड़ता है। गलवान घाटी हो या कश्मीर से कच्छ तक का इलाका हो, आज हमारे बहादुर सैनिक दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आज सटे सीमा से सटे इलाकों में जिस प्रकार से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभी दो दिन पहले ही हमारे यहाँ पर सीमा क्षेत्र में 3 पुलों का लोकार्पण हुआ है। आज हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं हम विश्व गुरु होने के साथ साथ विश्व शक्ति बनने की ओर भी अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, आज विपक्ष पूर्णतः नेतृत्व विहीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा? इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं, जैग बुड़ बोलिन वे कुड़ बोलिन। अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे कुर्सी की चाह को लेकर एक पार्टी के भीतर रार मची हुई थी। इन्हें उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान अगर किसी बात पर है तो इस पर कि कुर्सी किसे मिलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि उत्तराखंड में करप्शन को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड में माफियाओं को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर इन्होंने मजबूर किया है, उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता इन्होंने किया है और उत्तराखंड बनाने का विरोध इन्होंने किया है। आज मैं इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। इसी कुंठा में ये वो हर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता की नजरों में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी विशाल संख्या देखकर एक मैदान यहां भरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके बगल में दूसरा मैदान भरा हुआ है, सड़कों पर आप हजारों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ये तय कर चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वालों का राज अब इस देवभूमि में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आजकल इन काले हाथ वालों को इन जैसे ही एक और दल का भी साथ मिल गया है और उस दल के नेताओं ने अपनी अक्ल पर भी झाड़ू फेरी हुई है और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में भी तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं इस दल के नेताओं को कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता न तो दिल्ली में हुए दंगों को भूली है और न ही सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए गए सेना पर उठाए गए इनके सवाल को भूली है। उत्तराखंड का मतदाता मुफ्त का सहारा नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है जिस ओर हमारे प्रदेश को और देश को आगे ले जाने का काम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड चाहता है। मेरे उत्तराखंड का हर एक भाई और बहन ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प यदि कोई सिद्ध कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमने हर विभाग से अगले 10 सालों का रोड मैप मंगवाया ताकि हम भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य के विकास का खाका खींच सकें। उत्तराखंड को लेकर हमारी नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट और ईमानदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हमारी डबल इंजन की सरकार एक विजन बनाकर राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारा उत्तराखंड विकास चाहता है, हमारा उत्तराखंड संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, हमारा उत्तराखंड अपने सपनों को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड फिर एक बार भाजपा की सरकार चाहता है। आज आप सभी मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, जिस विकास पथ पर अपना उत्तराखंड बढ़ चला है हमें इस यात्रा को अब रुकने नहीं देना है।
हमने अपने प्रदेश को राज्य की रजत जयंती वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हमसे अपेक्षा है कि 2025 तक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और मुझे पूरा यकीन है आपका ये हौसला संकल्प को अवश्य करके ही सिद्ध करके दिखाएगा। हम विकल्प पर ही संकल्प के मंत्र के अनुयायी हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए यही हमारा अंतिम ध्येय है। हमें उत्तराखंड का प्राचीन हमारा इतिहास ये बताता है कि हम कभी भी लड़े बिना पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि हमारी सोच हमारी संस्कृति केवल और केवल संघर्ष और सेवा करना जानती है, जिसका अनुसरण हमारी सरकार 2400 घंटे कर रही है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आप सभी के विश्वास को सिरोधार्य करते हुए इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे, मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे, सत्य जो हृदय में है वो ध्येय दिखलाता मुझे, स्वप्न मेरे हैं तो मुझको ही उठाना भार है, हूं किनारे पर खड़ा, लक्ष्य भी उस पार है, मैं समुन्द्र की लहरों को मार तो सकता नहीं, किंतु मानव मैं फिर भी हार तो सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी से यहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड का अर्थ भी यहां पर बताया है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा।